सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज पहुंचे हम तोड़ा गांव में भाई, उरे ताऊ जी हमारे साथ और नौजवान साथी भाई, इनसे पूछे भाई किसके जिन विधानसभा कुर्सी देवेंगे और किसने नहीं देवेंगे। ताऊ जी किसकी वोट दोगे आप? नो के बताओगे भाई, देवांगे और कांग्रेस की, कांग्रेस की। हाँ अच्छा ताऊ, आप ताऊ भाजपा की, भाजपा की देंगे भाई। पाकिस्तान ने केड़े देन लग रहे हैं। तो आप किसकी वोट दोगे? वो चेक कर ले, भाजपा की देंगे भाई। अच्छा जी आप किसकी दोगे? कांग्रेस की। अच्छा जी जेजेपी की। आप जी कांग्रेस की। युवा के पूछ ले नोर के किसकी दोगे जी आप? ये रे बालक को कृषि किसकी कहेंगे भाई? आप किसकी दोगे वोट? तो भाई किसे की ना दे जो बढ़िया है भाई। क्यों वोटिंग दे? वोट का अधिकार है भाई, देखो यार देनी तो पड़ेगी नहीं, नोटा बटन दाब दो आप भाई। बात नु है अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए नी मजा आ जाए। बढ़िया बात भैया, तो देखा आपकी फिर यू हो तो एक और है मोदी तो मामे सहमत सा, लेकिन उन्होंने एक काम गलत करा क्या? जो निजीकरण करना आ रहा नहीं हो, अच्छा सेंटर में ला लो हरियाणा में ला लो, बहुत ही गलत करना आ रहा है जो प्राइवेट। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक, इस कर का विचार करांगे किसकी देनी चाहिए बस भाई। ये भाई अच्छा भाई जुगर हर बात कही, निजीकरण करने ला रहा, इससे कोई देश को फायदा होगा? फायदा तो ये हो भी, पहले तो इन मंत्री है ना फायदा है देश के, तो बाद में सोचा ही है। अच्छा बस यह बात से पहले तो इन मंत्री याद है सोचा है हमने कित फायदा हो, क्योंकि जो ये प्राइवेट हरियाणा बस लगाने लग रहे हैं निजीकरण करकन है, तो इसमें ये कम से कम एक आदमी की बस है, ये तकरीबन 500 कुछ बसें हैं एक आदमी की बसें हैं, तो ये जो करना आ गया निजीकरण ये गलत करना आ गया है। मार तो यू है कहना निजीकरण ना करो, अच्छी सरकार चला रहे हो अच्छी चलाओ भाई साहब। जो करीब भारत की जनसंख्या 125 करोड़ थी जब जनगणना हुई, तो जो मूर्ति बनाई ना स्टैचू बनाया चाइना का सारा मटेरियल लगाया उसमें 3000 करोड़ का बजट दिखाया, क्या उससे देश की गरीबी नहीं जांच के दी? बिल्कुल जांच के दी, घर के लिए लाख लाख दो दो लाख रुपये भी दे देता गरीबी ऑटोमेटिक चली जाती भाई साहब। लाख लाख मतलब कौन सा, जो 125 करोड़ हुआ 3000 करोड़ की मूर्ति है। सुनो एक मिनट, वैसे तो बांटे में तो कई कई लाख रुपये आओगे करोड़ रुपये भी आज का है अगर आर्थिक स्थिति के हिसाब से बांटे जाओ तो, लेकिन कुल मिला के ये गलत करना लग रहा है, ये सिर्फ एक भूगोल तो चेंज करना लग रहा है इसका हरियाणा का, लेकिन इंडिया के अंदर जो निजीकरण है नहीं मैन कारण हरियाणा का या सेंटर का लगा लो देश का लगा लो पूरा का गलत है बस। अच्छा भाई एक जो पिछली सरकार में मोदी सरकार ने नुगा था 15 से 20 लाख रुपए खाते में गिड़ांगे 3 महीने में काला धन ले आवांगे, तो उसके बारे में भी आपका क्या कहना है? काला धन तो भाई कुछ परसेंट तो आया है, लेकिन बाकी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने जड़ा दिया लगा लो या गुम कर दिया। जो बाहर से करा था भाई वो काला धन, बाहर से तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया भाई। अच्छा हमारे नजरिए से तो पार्टी वोटिंग भाई अभी वो तो पार्टी का भी देखेंगे किसको देंगे, अभी समय बाकी है, देखते हैं क्या प्रचार किसका जोर पकड़ता है उसके हिसाब से कुछ फैसला लेंगे। जोर नहीं पकड़ा अभी, लगभग चुनाव का जो दौर बहुत गर्म चल रहा है। नहीं अभी ऐसा है, अभी तो नामांकन कल को लास्ट डेट है, इसकी नाम वापस लेता देखते हैं तस्वीर साफ हो जाएगी कौन कैंडिडेट आ रहा है, फिर कैंडिडेट में देखते हैं किसका क्या रुझान होता है उसके हिसाब से वोट डालेंगे अगली बार। अच्छा जो हमारी मनोहर लाल सरकार थी, माननीय मनोहर लाल सरकार थी, 5 साल में जो इसने कार्यकाल करे इससे क्या आप खुश हो? भाई खुश वाली बात ऐसे इसमें देखो सभी वर्ग सभी सरकार से कोई खुश नहीं होता, सबके अपने अपने होते, कोई किसी से खुश है किसी से कोई किसी से खुश है, वो सबकी अपनी अपनी है, किसी के लिए खुशी है किसी के लिए दुखी की बात हो तो सबका अपना अपना हिसाब होता है, ठीक है ना? ठीक है भाई जी ने दो दो मिनट दिए हमको धन्यवाद भाई। बतला गया वोट तो तेरा था उत्तराधिकार है, तू अपनी खुशी तभी देश का है ना न्यू कौन सा। भाई साहब आप कोशिश देंगे चाह पी लेने तो तू डर चाह पीन दे मैं तो कोने टांदा किसने देने चाहिए भाई? आपकी मर्जी आपका वोट का अधिकार है भाई, तो टाइम पे बेरा पटेगा भी टाइम तो आ लिया भाई, देख चुनाव का माहौल बहुत गर्म हो रहा है बेरा ने भाई, आपने दोनों भी गरम तक कौन से उठ रहे हैं भाई आप किसका दोगे? बेरा ने भाई ये लग नुए नहीं बेरा भाई किसका दोगे?
वोट तो बनवा ले भाई, वोट का दे तो नहीं है भाई, वोट तो बना ले, स्कूल में बढ़ा कर रहा हूँ तो बीजेपी की, बीजेपी की ठीक बीजेपी की, बीजेपी की किसकी वोट देगा अभी? लोटा में गिरा नोटा पे भी, धन्यवाद।